बस्तर में शनिवार को सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया। करणपुर कैंप में कोबरा के 201-204 बटालियन के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम किया गया। अलग अलग सेक्टर के जवानों ने परेड की। इस बीच गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण पर है। अमित शाह ने सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने 2249 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा, मैं बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है, ये सीआरपीएफ की बदौलत है। अमित शाह बोले कि देश की शांति और सुरक्षा का मजबूत आधार सीआरपीएफ बन गया है, जो कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बस्तर में हम स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों की अहम भूमिका है। निरीक्षण वाहन पर सवार वाहन समय की गरिमा के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता है। बाई ओर के दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया। माननीय मुख्य अतिथि खासकर युवाओं और सभी छात्रों इसके प्रदर्शन को देखते हुए काफी प्रभावित है। हमारे देश भर के पुलिस कोरोना के कालखंड में जनता को अपनी संवेदनशीलता का परिचय। सीआरपीएफ भी इसमें पीछे वहां और हर जगह जहां पर सीआरपीएफ के पास अस्पताल उपलब्ध था, वहां जनता की सेवा में सीआरपीएफ ने एक जज्बे के साथ काम किया है। मित्रों, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास। आज यहाँ पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सलामती ये दोनों के लिए देश की जनता का संपूर्ण भरोसा इस बल पर है और वो आपके साहस और सौम्यों के आधार पर ही निर्मित हुआ। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना का मुकाबला करते हुए एक अदम्य साहस और बलिदान की भावना का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी और वो शहादत को अमर रखने के लिए कृतज्ञ देश ने 31 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाने का निर्णय किया। वो सीआरपीएफ और देश के गृह मंत्री दोनों के लिए बहुत गौरव का विषय है और आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आज इस मंच से उत्तर राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के उस सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों जनों के साथ हमारी एकता और उनके साथ खड़ी रहने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहरा